हे गाइस, गुड मॉर्निंग। बेंगलुरु से चल के मैं आ चुका हूँ मुंबई, और मुंबई में मैं आपको दिखाने वाला हूँ जुहू बीच। जुहू बीच कैसे आना है, कहाँ रुकना है, सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। अगर आप भी आने का प्लान बना रहे हैं तो जुहू बीच जरूर आइएगा। काफ़ी बड़ा ये बीच है और काफ़ी इन्जॉय यहाँ पर कर सकते हो आप और अपनी फैमिली के साथ। यही वो समुंदर है जिसको देखने लोग दूर दूर से आते हैं। जुहू बीच इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर कई एक्टर्स के घर हैं। तो अमिताभ बच्चन का मुझे घर पता है, तो मैं वो आपको बताऊंगा। बाकी देखो आस पास में कितने सारे बंगलो बन रखे हैं। तो यहाँ आने का सिंपल सा साधन है, मैं एयरपोर्ट से आया हूँ। तो एयरपोर्ट से क्या है, जैसे आपको पार्ले स्टेशन आना है, 5 रुपये लेती है बस, जो मुंबई की लोकल बस है वो 5 रुपये लेती है। उसके बाद पार्ले स्टेशन आने के बाद आपको उसके अपोजिट साइड जाना है, वहाँ से आपको एक और बस मिलेगी, 212 नंबर की बस मिलेगी, जो कि आपको जुहू सर्कल उतार देगी। जुहू सर्कल से 1 किलोमीटर की दूरी पर है, चाहे तो आप पैदल भी आ सकते हैं, चाहे तो आप बस कर सकते हैं। तो तीनों का किराया है 5-5 रुपये करके, 15 रुपये के अंदर आप जुहू भी जा सकते हैं। अगर टैक्सी में आना चाहते हैं, टैक्सी आपसे डिमांड करती है 400 रुपये की, लेकिन आप 200 रुपये 300 रुपये दोगे तो टैक्सी वाला भी आपको छोड़ देगा। और यहाँ देखो वॉलीबॉल वगैरह मैच खेल रहे हैं, उधर फुटबॉल चल रही है, इधर लोग स्विमिंग कर रहे हैं। ये जुहू बीच काफ़ी लंबा है, 4-5 किलोमीटर की दूरी तक ये जुहू बीच फैल हुआ है। अब देखो सामने, जहाँ नज़र डालोगे वहाँ तक लोग दिखेंगे। और यहाँ पे आपको नारियल पानी की कई सारी स्टॉल मिल जाएगी। नारियल पानी यहाँ पे महंगा मिलने वाला है, 60 से 70 रुपये का आपको। ये जो व्यू है ना बिल्डिंग्स वाला, ये बहुत प्यारा लगता है यहाँ से देखने पर। और देखो यार, बंगलो जो बन रखे हैं ना, वो उससे अलग ही लुक आता है इस बीच का। तो अमिताभ बच्चन का घर भी दिखाऊंगा मैं आपको, तो वीडियो को पूरी देखिएगा। मैं केवल बीच ही आपको दिखाने वाला हूँ, बाकी तो एक प्रॉपर वीडियो बाद में लेंगे जिसमें आपको मुंबई टूर करवाएंगे पूरा। तो आपको यहाँ पर ऐसे कपल भी देखने के लिए मिलेंगे जो बीच के अंदर। दिख रहा है या नहीं दिख रहा आपको, देखो मैं जूम करके बता रहा हूँ। ऐसे कपल भी बहुत बैठे हैं ऐसे यहाँ पर। गाइस, मैं जुहू बीच आया था, मेरे को थोड़ा आगे भी जाना था, तो मैंने इनसे भैया से पूछा लोकल मार्केट की, तो भैया ने अंधेरी बताया, तो अंधेरी जाऊंगा मैं। उससे पहले अमिताभ बच्चन का घर बता देता हूँ। भैया ने वैसे अमिताभ बच्चन को फ़ोन तो कर ही दिया है, तो वो मेरे को दिख ही जाएगा खिड़की में। नहीं, बाकी अभी करना करना बाकी है। तो वहाँ से फिर अपन ट्रेन पकड़ेंगे। भैया नाम क्या है? धीरज। धीरज जाबिर। बहुत अच्छा लगा भाई आपका यूट्यूब चैनल पर, आपको देखकर हम लोग मोटिवेट हुए। अभी फिर भैया ट्रेनिंग के लिए अभी हम लोग पक्का कश्मीर जाएंगे। कश्मीर जाएंगे, गोवा कैंसिल, गोवा कैंसिल। चलो ठीक है भैया, थैंक यू, आपने इतनी हेल्प करी उसके लिए। ख्याल रखो अपना, अच्छे से पहुंचो एंड सेफ जर्नी आपकी। थैंक यू सो मच। तो गाइस, जो बीच तो मैं घूम लिया, तो मेरे शूज़ वगैरह गीले हो गए थे, गिर गया था पानी के अंदर, तो उसको सुखाने के लिए मैं बैठ गया था। तो यार यहाँ पे है ना मज़ा बहुत है, मज़ा कर सकते हो आप। और इवनिंग के अंदर यहाँ पे मत आना, इवनिंग में है ना बहुत भीड़ हो जाती है। जो आपको रिलैक्सिंग वाला माहौल चाहिए ना, तो वो मॉर्निंग में और आफ्टरनून ही आपको मिलेगा। दिखा देता हूँ बीच का नज़ारा, ये देखो। अब अमिताभ बच्चन का घर देखना है। अब मुंबई आए तो एक एक्टर का घर देखना तो बनता ही है। पता है, मैंने एयरपोर्ट से टैक्सी वाले से पूछा, तो उसने बोला कि मैं शाहरुख खान का, सलमान खान का घर दिखाऊँगा, और एक दो पॉइंट और बताए उसके। वो पैसे मांग रहा था 2000 रुपये। मेरे को जुहू बीच देखना था तो मैंने देख लिया। अब बस अपन को एक गली में जाना है, गली से थोड़ा पैदल चलना है, अमिताभ बच्चन का घर आ जाएगा। ये देखो यार, बंगलो कितने शानदार शानदार बन रखे हैं यहाँ पे। तो भाई बीच है, बीच पे है ना खाने पीने की चीज़ें भी आपको मिल जाएगी, कई एक्टिविटी। एक्टिविटी मीन्स यहाँ पे मतलब गेम्स वगैरह खेलते रहते हैं यहाँ के लोकल लोग, और नाव वगैरह भी चलती होगी लेकिन मुझे दिखी नहीं है। वैसे चलती तो होगी यार, कोई वाटर एक्टिविटी भी होती होगी यहाँ पे, वो मुझे दिखी नहीं है, हो सकता है इवनिंग में होगी। तो जब भी आप आ रहे हो, जब आप देख लेना, इवनिंग में होती तो होगी, ये तो मेरे को 100% श्योर है, लेकिन वो इवनिंग में होती होगी। तो उधर देखो गाइस कितनी ज़्यादा भीड़ है, और इवनिंग में तो यहाँ पर बहुत कपल आ जाते हैं। अभी तो क्या है, फैमिली वाले हैं तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। 3-4 कपल भी यहाँ पे बैठे हैं, ये देखो। और यहाँ से सामने एक रोड जा रहा है, आई थिंक यही है। देखो गाइस, आपको यहाँ पे बीच के यहाँ पे टैक्सी भी मिल जाएगी,
बहुत टैक्सी है गाइस। देखो ये है अमिताभ बच्चन की गाड़ी, ये सेकंड गाड़ी रेंज रोवर। तो गाइस अमिताभ बच्चन का घर देख लिया, जलसा नाम था उस घर का, लेकिन वो कार्ड वगैरह वीडियोस वगैरह बनाने ही नहीं दे रहे थे, तो मैंने थोड़ी बहुत वीडियो बनाई है। कार लग्जरी कारों का कलेक्शन है यार अमिताभ बच्चन के पास। तो घर देख लिया, मैं जा रहा हूँ जुहू डिपो, वहाँ से अंधेरे के लिए बस लूँगा, फिर वहाँ पर देखते हैं कुछ कपड़े वगैरह देखते हैं, कुछ अच्छे मिलेंगे तो लेंगे, फिर अपन निकल जाएंगे रेलवे स्टेशन। तो गाइस मैं अंधेरी जा रहा हूँ इस बस के अंदर बैठ के, छोटी मिनी बस है, बस डिपो से मुझे बस मिली है अंधेरी के लिए। गाइस जो ये लोकल बसेस है ना काफ़ी सस्ती है, 6 रुपये में देख लो मैं जुहू डिपो से अंधेरी आ गया। अब देखते हैं कहाँ मार्केट है कपड़ों का, वो देखने जा रहा हूँ मैं। तो गाइस ये है अंधेरी स्टेशन, और अंधेरी के पास में गली है जिसमें लग रखा है संडे मार्केट, जहाँ कपड़े वगैरह चश्मे वगैरह मिलेंगे। तो गाइस जूतों की दुकान है, 450-500 रुपये के जूते हैं। ये मार्केट वैसे तो देखा जाए ना तो गर्ल्स के सबसे बढ़िया मार्केट है, ये सारा लेडीज़ों के शूज़ वगैरह सैंडल वगैरह है। और मैंने यहाँ से स्लीपर लिए, ये स्लीपर मैंने लिए, ये मैंने स्लीपर लिए 350 की 3। तो बाकी मैंने कुछ परचेस नहीं किया है यहाँ से, टी शर्ट वगैरह है क्वालिटी अच्छी नहीं है, और 200 रुपये रेट है, तो नॉर्मली 200 रुपये हमारे वहाँ पे भी मिल जाती है। अब मैं यहाँ से ट्रेन, लोकल ट्रेन पकड़ूँगा और सीधा जाऊँगा बांद्रा टर्मिनल रेलवे स्टेशन। अब टिकट कहाँ से बनेगा वो देखना है मेरे को। तो गाइस मैं अंधेरे से खार रोड आ चुका हूँ, तो मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन के अंदर मैं आया था, और आज संडे था, ज़्यादा भीड़ नहीं मिली मुझे, और अंधेरे से खार रोड आने का मात्र 5 रुपये का टिकट था। ये हर सेकंड आती है, हर सेकंड। तो प्लेटफॉर्म नंबर 5 से ये मुझे ट्रेन ये मिली थी। अब इसी के पास में क्या है, ये पुलिया, जैसे मैं चढ़ के जाऊँगा तो बांद्रा टर्मिनल आ जाएगा। गाइस आपको हमारे मुंबई का ब्लॉग कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा सपोर्ट करो यार, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा नीड है। तो देखो पीछे जा रही है लोकल ट्रेन, मुंबई लोकल। तो टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, मिलता हूँ बहुत जल्द अगले वीडियो में, बाय बाय।